इसराइल और हमास की जंग को 9 महीने होने को हैं और इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, जो हमास को जड़ से खत्म करने का ख्वाब लेकर गाजा में घुसे थे, अब उनका ये ख्वाब ही रहता नजर आ रहा है, क्योंकि इतने वक्त के बाद भी इजरायली सेना गाजा से हमास का सफाया नहीं कर सकी है। और तो और, अब तो इजरायली सेना के प्रवक्ता रियर एडमिरल डेनियल हगैरी ने भी कह दिया है कि गाजा से हमास को पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता। Dangerous consequences to the region. और इस बयान की पुष्टि हमास के ये वीडियो भी कर रहे हैं, जिन्हें हमास के प्रतिरोधी समूहों ने जारी किया है। दरअसल हमास की सैन्य शाखा अल कासिम ब्रिगेड ने इजरायली सेना पर एक बहुत बड़ा हमला किया है, जिसमें IDF के 2 रिजर्व सैनिकों सार्जेंट ओमर स्मादगा और सार्जेंट सादिया याकोव डेराई की मौत हो गई है, जबकि इस हमले में 3 और सैनिकों के गंभीर रूप से घायल होने की खबर है। ये सभी सैनिक IDF की अलेक्जेंड्रोनी ब्रिगेड की 9203वीं बटालियन में थे। इस हमले का अल कासिम ने वीडियो भी जारी किया है, जिसमें पूर्वी जैतून के नेटजरी मैक्सिस में IDF के कमांड और कंट्रोल सेंटर पर मोर्टार गोलों से हमला किया गया, जिसमें IDF के 2 सैनिकों की मौत हो गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे हमास के लड़ाके पहले IDF के कमांड सेंटर को निशाने पर लेते हैं और उसके बाद उसके ऊपर हैवी मोर्टार गोलों से भीषण हमला कर देते हैं। इसके बाद एक और ऑपरेशन में अलकुज ब्रिगेड ने दावा किया कि उसने अल शबौरा में एक टैंक पर घात लगाकर हमला किया था, जिसमें IDF के सैनिक या तो घायल हुए या मारे गए, जिनको रेस्क्यू करने के लिए इजरायली सेना का हेलीकॉप्टर वहां आता है, लेकिन अलकुज का लड़ाका उस पर SAM-18 मिसाइल से हमला कर देता है। राफा में हमास अभी भी खतरनाक मिसाइलों और गोला बारूद से इजरायली सेना पर भीषण हमले कर रहा है, जो 9 महीनों की लगातार जंग के बाद भी उसकी ताकत को नुमाया करता है, जिसे देखकर ऐसा नहीं लगता कि नेतन्याहू की सेना को फिलहाल गाजा में कोई सफलता हाथ लगने वाली है।